तो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है फेडरल बैंक लिमिटेड। स्टॉक बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग कर रहा है और आउट परफॉर्म रहा है। कल के सत्र में हमें देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है और हमें लग रहा है कि बैंकिंग एज अ सेक्टर आने वाले दिनों में मार्केट को लीड करेगा। फेडरल बैंक ने स्टॉक ने अभी रिसेंटली हाई बनाया था 170 का और अभी स्टॉक करेक्शन मोड में है। काफी अच्छा रिट्रेसमेंट हो गया है। वीकली चार्ट जो है स्टॉक का काफी स्ट्रांग है और रिस्क रिवॉर्ड अभी काफी फेवरेबल बन रहा है ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से। स्टॉक जो अपनी 20 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट करके बाउंस दे रहा है। तो हम ये जो स्टॉक है फेडरल बैंक का करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 156 का, पहला लक्ष्य रहेगा 170 का और दूसरा जो लक्ष्य रहेगा वो 177 का रहेगा। ओके तो फेडरल बैंक में करें खरीदारी शॉर्ट टर्म के लिहाज से पसंद है इस वक्त तेजस शाह साहब को, तेजस शाह साहब और अमरीश मलिक साहब को देना है हमें धन्यवाद।